किसान भाइयों, आपने ब्लू कॉपर का तो नाम सुना होगा और इसे पाला के जनित रोगों में आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास अगर आलू है, आलू में कोई भी नुकसान हो रहा है, आलू जल रहा है या गल रहा है, झुलसा लग रहा है, तो इसमें बहुत अच्छा उपयोग है। अभी अब झुलसा लगने का इसलिए समय आ गया है क्योंकि अभी जैसे मौसम 2-3 डिग्री पर जाएगी तो आलू जलना स्टार्ट कर देगा। और ब्लू कॉपर इसी में आता है। ब्लू कॉपर सिंजेंटा कंपनी भी बनाती है। ब्लाइटॉक्स 50W रहता है और बहुत सारे कंपनी आजकल बनाने लगे हैं और इसे खेत में किसान भाई खूब अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। और इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP रहता है, %WP, जो फंगस नियंत्रण, जड़ सहित पूरी फसल को बहुत अच्छा कर देता है और फंगस नियंत्रण करता है और फसल का अच्छा विकास करता है। और इसे ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP रहता है, जिसका तकनीकी नाम है, जो आप किसी भी नर्सरी या स्टोर या कहीं पे, आप जहाँ पे किसान भाई का कोई सा फंगिसाइड या पेस्टिसाइड मिलता है, वहाँ जाके आप ये ले सकते हैं ब्लू कॉपर। अगर आपका प्लांट अगर गमला में लगा रहे हैं या कहीं है, इसमें आपको जैसे ही आपके देखिएगा फंगस लगना स्टार्ट कर रहा है, डाईबैक भी इससे समस्या बहुत अच्छा सुधर जाता है। ऐसे तो डाईबैक पे एक वीडियो में बनाया था जो कि समस्तीपुर वाले इसके सर द्वारा रिकमेंडेड था वो, तो हम उस पर वीडियो बनाए थे, वो इससे 4-5 वीडियो पहले देख सकते हैं। डाईबैक नंबर 1 एग्रीकल्चर करिएगा तो मिल जाएगा, अगर फेसबुक पे भी देख रहे हैं। और इसका रोग नियंत्रण की बात करें तो पछेती झुलसा, ब्लाइट डाउनी मिल्ड्यू, फ्रूट रॉट, ब्लास्ट, अगेती झुलसा, लीफ स्पॉट, कोई भी तरह का है तो उसमें रोग नियंत्रण कर लेता है। और पैकेज का साइज बताएं तो 500 से 1 KG का 2 पैकेज के रूप में आता है और 500 ग्राम का पैकेट 350 से लेकर 450 होता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसे कहा जाता है। फसल के उपयोग की बात करें तो टमाटर, पपीता, मिर्च, आलू, अंगूर, सेब, संतरा, आम, सोयाबीन, मूंगफली, धान, नींबू, चना, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, खीरा, शिमला मिर्च, तंबाकू, बहुत सारे सब्जियों में ब्लू कॉपर का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। रोग नियंत्रण की बात करें तो कोई भी प्रकार का रोग है, फंगिसाइड, फंगस जनित या कोई चीज़ जनित, तो इसे आप उपयोग कीजिएगा। अगेती झुलसा हो गया, सबसे ज़्यादा तो झुलसा में एक तरह कारगर होता है, जैसे ही ब्लू कॉपर आप पीस के और इसका जैसे ही घोल के और इसका स्प्रे जैसे ही कीजिएगा तो आप देखिएगा इसका पत्ता में टच करेगा, ये पत्ता से जनित वाला होता है, मतलब पत्ता पे एक बूंद भी पड़ेगा तो वो जहाँ पे फंगस लग रहा है वहीं का बैक्टीरिया को मारेगा। और आपका प्लांट को तुरंत देखिएगा इसका रिजल्ट, तुरंत थोड़े ही दिन में, मतलब आज जैसे ही डालिएगा, अगर आपका आम या लीची सूख रहा है, डाईबैक की समस्या है, कोई भी फंगस की समस्या है, ब्लू कॉपर जैसे ही उपयोग कीजिएगा तो देखिएगा उसका पत्ता के जनित से एकदम मिट्टी में नहीं प्रयोग करना होता है, इसका पत्ता पे छिड़काव कर देना होता है। जैसे ही उसके पत्ता मतलब तर्च हुआ, जहाँ भी सटेगा और उसके नीचे से जड़ से होते हुए पूरा शरीर में उसका फैलेगा और आपका डाईबैक का समस्या या आपका गुलाब में डाईबैक है, तुरंत इसको एकदम अच्छा कर देता है। और 500 ग्राम का पैकेट की बात करें, 380 से 450, जैसा कंपनी का लीजिएगा वैसा रहता है। इस पर कुछ परसेंट लेस रहता है, हम लोग को तो 30% भी दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी वैसा होता है जो भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम वैसा ही दुकान में जाते हैं जहाँ 30% छूट मिले। और 1 KG का आपको 700 से 800, आप आधा KG का ही उपयोग कीजिए क्योंकि आपका 1 एकड़ के लिए आधा KG बहुत अच्छा हो जाता है। 200 से 300 ग्राम, अगर ज़्यादा कोई रोग लगा हुआ है तो 500 ग्राम आप कर सकते हैं। 15 लीटर वाला ये टंकी में आप 200-300 लीटर पानी में आप जैसा, जितना 1 एकड़ के लिए जितना पानी बन सके उतना आप ले लीजिए। 15 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम ब्लू कॉपर आप मिला सकते हैं, जो सिंजेंटा कंपनी का आता है, नामधारी भी बनाती है, बहुत सारे कंपनी, घनेरो कंपनी बनाती है, यह सब कंपनी बहुत अच्छे कंपनी है, मतलब रिप्यूटेड कंपनी में आती है, ये किसी का प्रचार भी नहीं है। और 2-3 ग्राम आपको प्रति लीटर के हिसाब से ब्लू कॉपर उपयोग कीजिएगा और स्प्रे कीजिएगा तो देखिएगा आपका प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका प्रभाव आपको दिखना एकदम 2-3 दिन में तो आराम से फसल में दिखना स्टार्ट कर देता है, इतना ज़्यादा साइड इसका होता है। और फंगिसाइड का उपयोग आप फसल के बरसात के मौसम में भी कर सकते हैं, सभी प्रकार के मौसम में कर सकते हैं। और तांबे के गुण पौधे में लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है और जड़ों से तने तक फायदेमंद होता है। और एक कण आपका जैसे ही पड़ेगा पत्ता पे,
वो पूरा मतलब आपके उसके ऊपर फैल जाएगा, और इसे कोई भी दवा के साथ मिला के कर सकते हैं, और हवा के दिशा में ही कीजिए, और इसमें सिगरेट तंबाकू का उपयोग नहीं कर सकते हैं स्प्रे के समय, आप ये सब ध्यान दे दीजिएगा। और धानु का कंपनी बनाती है, सिंजेंटा ब्लू कॉपर के नाम से लाती है, एडमा इंडिया मेनी कॉप के नाम से लाती है, FOMC गोजारू के नाम से लाती है, टाटा ब्लाइटॉक्स 50 WP लाती है, क्रिस्टल क्रॉप ब्लू कॉपर के नाम से लाती है। जो भी कंपनी का आपको मिले वो ले लीजिए, और इसका सबसे अच्छा उपयोग है जो आप जैसे ही रोज है कोई चीज़ है प्लांट, एक दो प्लांट भी है तो ये उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद इतना देर वीडियो।